एक धक्का देने वाली न्यूज आज सुबह सुबह पढ़ने मिली, और वो न्यूज थी डॉक्टर शीतल आमटे, इनकी खुदकुशी। इसके बारे में मैं मेरा एक ओपिनियन दे रहा हूं, उसके बारे में बातचीत कर रहा हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति नव महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। सुबह सुबह एक न्यूज आई, और वो न्यूज थी डॉक्टर शीतल आमटे, डॉक्टर बाबा आमटे जो प्रख्यात समाज सेवक थे, उनकी डॉटर इन लॉ, पोती, उन्होंने खुदकुशी कर लिया। जो न्यूज़ आ गई उस पर से ऐसा लगता है कि उनको काफ़ी दिन से मानसिक तनाव था, स्ट्रेस था। क्या होता है कि खुदकुशी करने वाले आधे से ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होती है, और वो डिप्रेशन यदि हम ठीक करते हैं तो खुदकुशी बच सकती है। मगर डिप्रेशन है ये लोग मानते नहीं है, बोलते नहीं ये तो चलते रहता है, तनाव है, नाराजगी है, तो मानते नहीं है। अच्छा, डिप्रेशन है ये मान लिया तो साइकेट्रिस्ट के तरफ जाना है और इलाज करना है, उसके लिए लोग तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक साइकेट्रिस्ट के तरफ जाना और उसका इलाज करना एक सोशल स्टिग्मा होता है, धब्बा होता है। और तीसरा है कि घर के लोग, समझो खुद पेशेंट बोलता है ऐसा कि मुझे ऐसा हो रहा है, तो घर के लोग बोलते नहीं तू ज़्यादा सोच रहा है, ये तो ऐसे होते रहता है, ज़्यादा सोच मत, जरा बाहर घूम के आ जाओ, थोड़ा एंजॉय करो, तो निकल जाएगा डिप्रेशन। मतलब डिप्रेशन के पेशेंट के जीवन में ऐसे ये तीन ऐसे विरोध है, रेजिस्टेंस है, कि जिसके वजह से वो साइकेट्रिस्ट की तरफ ट्रीटमेंट को जाता नहीं है। तो वो ट्रीटमेंट लेना और अपना इलाज करना बहुत जरूरी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि डिप्रेशन का पेशेंट खुद नहीं बोलेगा ना कि मुझे इलाज करो करके, मगर वो क्राई फॉर हेल्प है। उसकी क्राई फॉर हेल्प क्या है? खुदकुशी के विचार बोलना, खुदकुशी करूंगा ऐसा बोलना, खुदकुशी का प्रयास करना, या फिर खाना नहीं खाना, सोना कम, रोना, या फिर काम में मन नहीं लगना, इंटरेस्ट नहीं है कोई काम करने में, प्लेजर नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, खुशी नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है तो उसका पूरा पहले स्टेप में ही उसका इलाज करना जरूरी है। और इलाज करते हैं तो डेफिनेटली हम वो व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। तो कोई भी पेशेंट को जो ऐसा उदासीन है, नर्वस है, उसको लाइटली मत लेना है, लाइटली मत लो। या किसने खुदकुशी करने की ऐसी बोली भाषा कहने कुछ बोला भी है समझो, तो वो लाइटली मत लेना है, ताकि काफ़ी जाने हम बचा सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।